बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एकदम अनोखे तरीके की ऐसी बर्फी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो शायद ही पहले कभी आपने ट्राई की होगी। ये बर्फी देखने में जितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, उससे भी कई गुना ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। इसे बनाने के लिए हमें ना तो कोई मावा वगैरह का यूज करना है, बिल्कुल सस्ते में और बहुत ही कम सामान में ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी इस रेसिपी को पहली बार में परफेक्ट बना पाए। और इतनी अमेजिंग रेसिपी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आधा कप मतलब 60 ग्राम मिल्क पाउडर ले रही हूँ। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये एक कप मतलब 250 ml हम दूध ऐड करेंगे। दूध आपको ठंडा यूज करना है। अगर आप मेरी रूटीन में वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने इसमें ठंडे दूध का यूज क्यों किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में अगर हम गर्म दूध का यूज करेंगे तो उससे इसमें काफी सारे लम्स बन जाएंगे। बस यही एक परफेक्ट तरीका है कि मिल्क पाउडर को ठंडे दूध में मिक्स कर लें, जिससे इसमें कोई भी लम्स नहीं बनेंगे। तो ये मिल्क पाउडर हमारा दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको अभी हम एक साइड में रख देते हैं। अब यहाँ एक पैन में मैं ये एक बड़ा चम्मच देसी घी ले रही हूँ। घी को हमें अच्छे से मेल्ट करके गर्म कर लेना है। अब इसमें मैं ये एक कप मतलब 200 ग्राम सूजी ऐड कर रही हूँ, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। तो रवा आपको इसमें थोड़ी सी बारीक वाली यूज करनी है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए घी में बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे कि इसको आपको चलाते जरूर रहना है, नहीं तो सूजी इसमें नीचे लग भी सकती है। और जो मेजरमेंट मैंने आपको कप के साथ बताया है, आप उसकी जगह एक कटोरी सेट कर लें और उससे आप ये सारा मेजरमेंट ले सकते हैं, जिससे आपको भी ये मिठाई बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जैसे जैसे हम सूजी को भूनते जा रहे हैं, तो इसके टेक्सचर में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है। भूनने से थोड़ा सा इसके कलर में भी चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस इतना इसको भून लें कि हल्का सा इसके कलर में चेंज आ जाए और इसमें से अच्छी सी भूनने की खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो लगभग 8 मिनट हो गए हैं हमें सूजी को भूनते हुए, और आप देख सकते हैं इसके कलर में पहले से काफी चेंज दिख रहा है, और इसमें से अच्छी सी भूनने की खुशबू तो आना शुरू हो ही गई है। मतलब सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। अब ये आधा कप मतलब 40 ग्राम मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। इस नारियल के बुरादे को भी हमें सूजी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जब सूजी अच्छे से भुन जाए तभी आपको ये नारियल का बुरादा ऐड करना है, क्योंकि सूजी के दाने जो हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो उनको भुनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन नारियल को हमें भूनने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये नारियल का बुरादा भी हमारा सूजी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, और सूजी को तो हमने पहले ही अच्छे से भून लिया है। बस अब इस टाइम पे हम वो सारा मिल्क पाउडर वाला दूध इसमें ऐड कर देंगे। जैसे आप इसमें ये दूध ऐड करेंगे वैसे ही सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और ये सारे दूध को एकदम से सोख लेगी। बस फटाफट से आपको इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे एकदम से ये सूखता चला जाएगा, मतलब बिल्कुल ड्राई सा ये मिक्सचर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सूजी जो है वो किसी भी लिक्विड चीज को बहुत ही जल्दी सोखती है और उसमें जाते ही एकदम से फूल जाती है। तो बस ऐसे ही हमारा भी ये सूजी का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, और दूध तो इसमें से सारा सूख ही गया है। इसका मतलब ये मिक्सचर तो हमारा तैयार है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ एक पैन में मैं ये एक कप मतलब 240 ग्राम चीनी ले रही हूँ। जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से आधा कप हमें इसमें पानी ऐड करना है। मतलब अगर आप ये मेजरमेंट एक कटोरी के साथ ले रहे हैं तो आपको एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लेना है। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल फुल रखेंगे और चीनी और पानी को पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको घुलने तक पका लेंगे। जो हमारा सूजी का मिक्सचर है उसके हिसाब से ये एक कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, चीनी हमारी पानी में बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। लगभग 2 मिनट के लिए और हम इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसके बाद ये बिल्कुल 2 चुटकी मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है,
लेकिन इसी से तो हमारी मिठाई में एक बढ़िया सा कलर आएगा। बस आप इसकी जगह कोई और कलर का भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। बस इस कलर को भी हमें इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कलर भी हमारा इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और चीनी घुलने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए पका भी लिया है। बस अब हमें इसे एक बार चेक कर लेना है। तो इस तरीके से उंगली पर चाशनी की एक तार बनाकर देखेंगे। अगर ये तार बन रही है इसका मतलब हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। ये चाशनी के तैयार होते अब इसमें हमें वो सारा सूजी वाला मिक्सचर ऐड कर देना है। बस ये सारा मिक्सचर मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब ये 1 बड़ा चम्मच मैंने ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ले ली है, साथ में 1 ही बड़ा चम्मच मैं इसमें रेड कलर की भी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, और ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इलायची पाउडर का फ्लेवर इसमें काफी अच्छा लगेगा। आपको भी पसंद है तो आप भी इसे जरूर डालिएगा। बस अब इस सारे सूजी वाले मिक्सचर को चाशनी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं तो इसमें बहुत ही प्यारा येलो कलर आना शुरू हो गया है। और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने सस्ते में और कम सामान में हमने इस बर्फी को बनाकर तैयार किया है, क्योंकि ये मोस्टली सारा ही सामान हम सभी के घर पे रखा ही होता है। तो मिक्सचर हमारा चाशनी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स तो हो गया है, लेकिन अभी हमें इसको बस थोड़ी सी देर के लिए और पका लेना है। 4 मिनट पकाने के बाद ही ये मिक्सचर हमारा इस तरीके से पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। बस जैसे ही ये पैन छोड़ने लग जाए इसका मतलब ये मिक्सचर बर्फी जमाने के लिए तैयार हो गया है। अब यहाँ एक बर्तन में मैं घी लगा लेती हूँ। आप किसी भी थाली या फिर नॉर्मल प्लेट में जिसमें आपको बर्फी जमानी है उसमें आपको घी लगा लेना है, और इस घी लगे कंटेनर में इस सारे मिक्सचर को डाल लेंगे। इस कंटेनर में डालकर मिक्सचर को अच्छे से सेट करना है। तो 1 चम्मच पर घी लगाकर मैंने ले लिया है जिससे इजीली सेट हो जाएगा। जैसी मोटी या फिर पतली आपको बर्फी जमानी है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई ड्राई फ्रूट के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। इन टूटी फ्रूटी को भी चम्मच के साथ हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये बर्फी में से निकले ना। अब आधे घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद हम इसके पीस कर लेंगे। जैसे छोटे या फिर बड़े आप पीस चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। और मेरे काटने से भी आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये बर्फी जमी है। तो मैंने इसके चकोर शेप के पीस कर लिए हैं। एक पीस मैं आपको उठाकर भी दिखा देती हूँ। ये कितनी ज्यादा टेस्टी बनी है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप भी इसे ट्राई करेंगे। तो आज की रेसिपी हमारी तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।